फिर से एक बार भिवंडी शहर का स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय चर्चा के विषय में दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय की बात की जाए तो इसे सिविल का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सुविधा मिलनी चाहिए भिवंडी शहर के नागरिकों को जो अपने इलाज के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में जाते हैं, वो पूरी तरह से देखने को नहीं मिल पा रहा है। जिसको लेकर हम आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन ले जाकर जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के डीएमओ हैं डॉक्टर थोराद, उनसे मुलाकात की गई, उन्हें एक मेमोरेंडम दिया गया। विशेष तौर पर जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में मरीजों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसे जल्द से जल्द हल करने की डेलीगेशन जो है डॉक्टर थोराद को दी गई। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी लोकसभा के प्रभारी साहिद अंसारी, भिवंडी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कासिम शेख, साथ ही साथ भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष अहमद हुसैन, उनके साथ में नजीर शेख, सोहेल खान, अकील मोमिन, फैजान मोमिन सहित बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके जो ऑफिस है वहां पर पहुंचे और जो उनकी मांगे थी उनके समक्ष रखा, जहां पर डॉक्टर थोराद ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टरों की टीम कमी होने के कारण और नर्स की टीम कम होने के कारण उन्हें शासन से कुछ मदद नहीं मिल पा रही, लेकिन जो उनसे हो सकेगा वो शासन से मांग करेंगे और जो डेलीगेशन वहाँ पर गया था उनकी मांगने को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए साहिद अंसारी, जो कि भिवंडी लोकसभा के प्रभारी हैं, साथ ही साथ कासिम शेख और उनके सहयोगी मित्रों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में जो मनमानी तौर पर मरीजों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज यहाँ पर जो लोगों ने निवेदन दिया है, विशेष तौर पर आईजीएम में जो समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह का आश्वासन देंगे और जो उनकी मांगनी है तो कब तक पूरी करेंगे आप? जितना मेरे हाथ में है मैं यहाँ पर जो भी सुविधा है उन सुविधाओं को अच्छी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुविधा ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सैंक्शन है, लेकिन जो भी पोस्ट से है, डॉक्टर्स है या बाकी का जो भी फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ के लिए मैं अपने सीनियर्स के पास इनका जो निवेदन है मैं भेज दूँगा, उनकी जो मांगे है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उनकी मांगे पूरी करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो भी अभी सुविधा है उसमें सोनोग्राफी जो इन्होंने लिखा है उसमें हमारे पास सोनोग्राफी चालू हो गई है, जो कि डिलीवरी पेशेंट्स के लिए है। हमारी मार्चुरी अभी तैयार हो रही है, ऑपरेशन थिएटर जो मॉडल है वो भी तैयार हो रहा है, एक दो चार दिन में वो भी ऑपरेशन थिएटर चालू हो जाएगा। हमारे पास अभी सीटी स्कैन की तैयारी हो रही है, सीटी स्कैन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में हम लोग सीटी स्कैन भी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो मांगे है, बाकी की जो इनकी मांगे है वो पूरी करने की कोशिश हम लोग मेरे स्तर पर जितनी भी है मैं खुद करने की कोशिश करूँगा, और जो जो मेरे हाथ में नहीं उनके लिए मैं मेरे सीनियर से बात करूँगा और इनके मांगे मैं आगे भेज दूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए इसकी कोशिश करूँगा। सर देखा जाए मानसून नज़दीक आ गया है, ऐसे में जो अगर मरीजों की बात की जाए तो ताता लगा रहता है, तो इसको लेकर अभी आपकी तरफ से क्या दुष्कदम उठाए? हमारे यहाँ पर आपातकालीन कक्ष जो भी जो मानसून की वजह से जो बीमारियाँ फैलती है, जैसे कि डायरिया है, डिसेंट्री है, ये जो भी है इसके लिए हमारे पास पूरी हम तैयारी में हैं। कोई भी पेशेंट यहाँ पर आए तो उसकी उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसके लिए पूरा मेडिसिन हमारे पास है, पूरा बंदोबस्त हम लोगों ने किया हुआ है। मैं बच्चे लोगों की या बड़ों की तकलीफ़ होती है तो मोहल्ले वाले को मैं लेके यहाँ आता हूँ कि एडमिट करो इनको, पर उसमें दवा लेते लेते थक जाते हैं, नहीं अच्छे होते, लेकिन यहाँ एडमिट लेना मुश्किल हो जाता है, बस यही इतना मेरा कहना। आज इंदिरा गांधी में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कासिम शेख, जिन्होंने इसकी स्टडी की आईजीएम की और मुस्तक रिपोर्ट दिया कि आईजीएम में क्या क्या कमियां हो रही है, तो यहाँ पर सर्वे करने के बाद आईजीएम में इतना खस्ता हालत हो गई है कि आईजीएम का सिस्टम एकदम तहस नहस है, ना दवाइयाँ हैं यहाँ पर, मरीजों के साथ एक एकदम सौतेला सलूक होता है, ऐसी शिकायतें आ रही है। डिलीवरी के लिए बार बार इनको सिविल बॉम्बे भेजा जाता है, दवाइयां बाहर से लिखी जाती है और आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण अभी हॉस्पिटल में
ओपी का काम चालू हुआ है, ऑपरेशन थिएटर का, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसके लिए लोगों को, शहरवासियों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसी सारी समस्याओं को लेकर हम आज यहाँ के डीन से मुलाकात की, उनको इन सारी समस्याओं से आगाह किया। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये सारी मांगनी हमारी कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो, ऑक्सीजन हो, बच्चों का अच्छा रूम हो, डिलीवरी पेशेंट के लिए हमारी जो माए बहनें हैं उनके लिए डॉक्टर, परमानेंट डॉक्टर की मांगनी की हमने। अभी तक अभी IGM में परमानेंट डॉक्टर नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर है, स्टाफ की कमी है, उसको भरने की मांगनी की हमने। सारी सुविधाओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज यहाँ पे आई है और हमारा अगला एलिगेशन DD और प्रांत ऑफिस तक जाएगा। यहाँ से हम खामोश बैठने वाले नहीं है, हम शहर के सारे NGO और संस्था को और 90 नगर सेवक और हमारे दोनों आमदार और खासदार को भी अपील करते हैं कि आप IGM के सुधार के लिए हमारा साथ दें, शहर के लोगों की भलाई के लिए काम करें, ना कि आप एक दिन का कैंप लगा के लोगों को एक दिन की सुविधा दे के फ़ोटो खिंचाने का काम बंद करके सालों साल रोज़ इनकी मदद के लिए IGM को सुधार करें। हम अपने वार्डों में, अपने शहरों में NGO वाले, हमारे नगर सेवक, हमारे MP, हमारे MLA एक दिन का कैंप लगा के लोगों की मदद करके फ़ोटो खिंचाने का जो काम करती है, इससे IGM को एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत IGM को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल को फ़ायदा पहुंच सके। अपना एक दिन का कैंप बंद करके IGM के लिए लड़ाई लड़ो। IGM में रोज़ अगर लोग आएंगे, 100-200 लोगों का फ़ायदा होगा, तो आपको दिल से दुआएं देंगे। तो हमारा यही है कि जितने NGO हमारे साथ आवे, सारी पार्टियाँ मिलकर IGM को सिविल का दर्जा होने के बावजूद आज तक उसको कागज़ पे ही रह गया है, हकीकत में उसको अमल में लाया नहीं गया है। तो हमारी मांगनी है कि इसको सिविल का दर्जा मिलना चाहिए और जो सुविधाएं है वो यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। हम भिवंडी शहर में बहुजन समाज पार्टी आने वाले एक महीनों में अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई तो हम शहर भर में आंदोलन चलाएंगे और प्रांत ऑफिस के सामने हमारा धरना आंदोलन होगा। कि इतना बड़ा IGM दवाखाना है ये, मगर यहाँ पर थोड़े थोड़े बात के लिए बच्चों के लिए बॉम्बे जाओ, थाना जाओ, कलवा जाओ, सब रहता है। और दवा लेने जाओ तो पिछले हफ्ते आओ, ये एक बार मिलेगी तो फिर अगले हफ्ते मिलेगी, ये सब यहाँ पे चलता है। और दूसरी बात, यहाँ पे पावर का मसला भी है, पावर भी मतलब जाती है तो जनरेटर यहाँ पे है कि नहीं ये भी पता नहीं है, और 3-3 घंटा पावर रहती नहीं है, हमारी लोगों को भी तकलीफ होती है। समाज पार्टी भिवंडी शहर उपाध्यक्ष, ये IGM के हिसाब जो हमने एप्लीकेशन दिया है, ये IGM के अंदर बहुत सारे समस्याएँ हैं, सारे लोगों को जो दवाओं के मसले हैं, यहाँ पे जो है डॉक्टर हैं लेकिन कम है, और जो दवा मिलती है वो दवा हमें पूरी नहीं मिलती, और जो दवा रहती भी है तो वो लोग रख के भी कहते हैं कि दवा नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग यहाँ आते नहीं हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वो झगड़ा करके अपनी मांगी करते हैं, जो हमारे जैसे जाहिल जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, जो दवा रहती है वो दवा उन्होंने लोग ने देते नहीं है, और नहीं देने भी कहते हैं कि सुमारी है तुम्हें संजय कड़े आ सऊदे आया, तो भाई गरीब मजदूर आदमी, लूम चलाने वाला आदमी, एक वर्कर अपने कारोबार को करेगा या इस इंदिरा के चक्कर को काट। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज TV News, धन्यवाद।